नमस्कार, ड्रीम इलेवन क्रिकेट धमाका में आपका स्वागत है। और अब से कुछ क्षण पहले धमाका किया सीएसके ने। यह नहीं कि सिर्फ मैच जीतकर, 6 विकेट से मैच जीता सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ। बहुत छोटा सा टारगेट उनके सामने था और उस टारगेट को बड़े आसानी से यहां पर पा लिया। 134 रन बनाए थे 7 विकेट के नुकसान पर सनराइजर्स हैदराबाद ने, और 19.4 ओवर 2 गेंद रहते। हालांकि नजदीक गया ओवर्स के लिहाज से, लेकिन पूरे तरह से दबदबा पूरे मैच में सीएसके का रहा। बहुत आराम से इस मैच को 6 विकेट से अपने नाम किया, 139 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर। और आज कमाल एक ये भी हुआ कि कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने जीत का छक्का लगाया, जो हमारी आदत बन गई थी 2004 से लेकर 2012-13 तक की, धोनी के हाथों से वो छक्का या चौके का जीत देखने का। तो आज वो कमाल महेंद्र सिंह धोनी ने किया। लेकिन जो कमाल की बात यह है वो ये है कि सीएसके यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स पॉइंट्स टेबल में तो किंग है ही है, लेकिन किंग्स बनी पहली टीम इस सीजन में प्लेऑफ में जगह बनाने वाली। जी हाँ, आज मुहर लग गई है। ये वही टीम है जो पिछले सीजन पहली टीम बनी थी प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने में, और इसको डैडीज आर्मी भी कहते हैं। और वही डैडीज आर्मी इस बार वो कमाल करती है जो पिछले सीजन बिल्कुल पहली टीम बनी। और भी क्या बदला एक सीजन के अंदर, कुछ ही महीनों के अंदर ये टीम जो सबसे पहली टीम बनी प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली। कुछ चेंजेस रहे जो इनको मैं कहूँगा रास आ रहे हैं, जिसमें ब्रावो का पूरी तरीके से फिट होना, लास्ट टाइम वो फिट भी नहीं थे। सेम वॉटसन नहीं है उसमें, मैं कहूँगा जॉस हेजलवुड का परफॉर्मेंस अप टू द मार्क रहा। रैना नहीं थे पिछली बार, इस बार है पर उतना अप टू द मार्क। फॉर्म में इसलिए सारा चीजें कुल मिला के अच्छी चल रही है सीएसके के लिए। लास्ट तो एमएस धोनी ने लास्ट छक्का लगा के मैच जिताया जो पुरानी याद ताजा कर दी। बिल्कुल, तो काफी अच्छा चल रहा है इनका अभी तक का सफर। बिल्कुल, और ये पूरा जो लॉट है इनके साथ अपने प्राइम में भी और अपने करियर के जब पिछले 2-3 साल की बात करें, आरपी लगातार इनके साथ क्रिकेट खेलते रहे तो इनको जानते हैं कि इनका माइंडसेट कैसा है, क्या इनकी स्ट्रेंथ है। इस पर भी हम बात करेंगे सीएसके की जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो सीएसके के पूरे आज सपोर्टर बनके उनके रंग में रंगे हुए थे वो थे हमारे मेंटोर मन्नी पाजी। मन्नी पाजी, धोनी का वो छक्का देखकर आज मजा आया, जीत का छक्का। बिल्कुल, वो याद दिलाई 2011 विश्व कप के जवाब, उन्होंने 6 लगा के वो मैच जिताया था और इंडिया को वर्ल्ड कप दिलाया था। ये धोनी की खासियत होती थी कुछ साल पहले तक, लेकिन वो दौर ऐसा था जब वो रेगुलर क्रिकेट खेल रहे थे। अभी ये रेगुलरली नहीं मार पा रहे क्योंकि इतनी क्रिकेट नहीं खेल रहे और मैच प्रैक्टिस नहीं है, जिसकी वजह से वो टाइमिंग नहीं आ पा रहा। लेकिन जैसे जैसे हम बिजनेस एंड की तरफ आते चले जा रहे हैं, अगर 1-2 इनिंग्स और ऐसी हो गई तो फिर जब भी जरूरत पड़ेगी, जब मैच फंसेगा उसे निकाल के ले जाएंगे, क्योंकि ये उनकी क्वालिटी। बिल्कुल, यानी कि इंजन जो है गर्म हो गया। और आप देख सकते हैं कि सीएसके 18 पॉइंट्स के साथ सबसे ऊपर है और लग गया स्टैंप मुहर आपके प्लेऑफ्स का। यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ में पहुंच गई। और बात कर रहे थे कि पिछले सीजन और इस सीजन में क्या बदला सुषमा, एक चीज तो ये बदली कि सीएसके दूसरे चरण में दुबई पहुंचने वाली या यूएई पहुंचने वाली पहली टीम थी, और उन्होंने पिछले बार बहुत शिकायत की थी हम देर से पहुंचे, प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिला। इस बार तैयारियां, होमवर्क, सब कुछ सीएसके का बड़ा जबरदस्त था, जिसका असर अब रिजल्ट्स में, नतीजों में दिख रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आपने राइट वर्ड यूज किया, होमवर्क। कहीं ना कहीं जब आप हार के जाते हो और आप चेन्नई जैसी टीम हार के जाती है वापस, तो डेफिनेटली बहुत सारा होमवर्क हुआ होगा। आपने फाइंड आउट किया होगा जरूर कि कौन कौन से एरियाज है, यू नो, जहाँ पे आप ढीले पाएंगे और आपको दोबारा नेक्स्ट सीजन के लिए ऐसा बन के आना है जैसा इस बार बन के आए हो आप। तो क्रेडिट गोज टू ईच एंड एवरी वन, पूरा पूरी टीम को, और बिहाइंड द स्क्रीन भी लोग रहते हैं मैनेजमेंट में, तो कहीं ना कहीं अगर जब आप हारते हो तो आप ही जिम्मेदार होते हो उस हार के भी। और शायद चेन्नई जैसी टीम जिसको पता है कि यू नो अगर एक मैच के बाद ओवरकम भी कैसे करना है और एक सीजन फेल होने के बाद नेक्स्ट सीजन में कैसे दोबारा यू नो बेस्ट बन के आना है, तो वो ये बिल्कुल प्रूव करके दिखाया है चेन्नई ने। और क्रेडिट देना होगा आज की परफॉर्मेंस के लिए, मैं कहूँगी अभी हम यूए की पिचेस में अगर हम बात करें, टॉस एक बहुत बड़ा फैक्टर दिखता जा रहा है कि अगर आप टॉस जीत रहे हो, गेंदबाजी कर लेते हो, तो कहीं ना कहीं यू नो आपके ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं मैच जीतने के, बिकॉज जिस तरीके से विकेट्स बिहेव कर रही है। और अगर हम देखें कि 1st 6 ओवर्स में रन आ रहे हैं, बिकॉज आपके पास पावर प्ले, आप फील्ड रिस्ट्रिक्शन का फ़ायदा उठा रहे हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा रन्स अब वहीं पर आ रहे हैं। 10 ओवर के बाद अगर आप देखो तो वही रन्स आप जल्दी दूसरी टीम को यू नो रोक के फिर आप उसको आराम से चेज कर सकते हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।